हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शाम का टाइम है और शाम के 6:10 पे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब लोकल में ही जा रहे हैं। शनिवार है आज, तो शनिधाम मंदिर जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर और डाक पत्थर घूमने के लिए। शनिधाम मंदिर जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 2.5 साल या 3 साल हो गए होंगे गए हुए। सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं जाएंगे, लेकिन वही है ना, जब तक भगवान जी आपको नहीं बुलाते ना, तब तक नहीं जा सकते, चाहे कितनी प्लानिंग कर लो। पास में ही है, बड़े दूर दूर से शनिधाम मंदिर में लोग आते हैं, तो आपको भी वहाँ के दर्शन कराएंगे और लेकर चलते हैं। और बाकी अपना फेवरेट डाक पत्थर पार्क, वहाँ जाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है वहाँ जाना। और खुशी को मेन तो रीज़न यही है, इसी के साथ लिखा था जाना शनिधाम मंदिर पे, वरना कई बार प्लानिंग बनाई कि जाएंगे, नहीं हो पाया। तो आज भगवान जी ने इसके साथ हमें बुलाया है। हाँ भाई, डाक पत्थर भी जाएंगे। खुशी, डाक पत्थर कब गई थी लास्ट टाइम? अगर मंदिर में जा रहे होते तो बेशक बिना उसके भी आ जाते, वैसे ही ले लेते, रख लेते पर्स में, पर मंदिर जा रहे हैं ना तो चाहिए। चलो, पहुंचने वाले तो नहीं है अभी, टाइम है, पहुंचने वाले तो नहीं है अभी। अभी तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेगा, 10 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। घर से निकले हुए भी 10 मिनट, विकास नगर तो आ गए हम। जितने शुरू करी ना, इतने तो वो हो गया। वो देखो, वो दिख रही है, वो दिख रही है, वो दिख रही है, इधर इधर तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और चलो आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं मंदिर। शनिधाम मंदिर आए हैं हम लोग। जो लोग लोकल से हैं वो लोग आए होंगे, और वैसे तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो अंदर चलते हैं, आप लोगों को भी पहले अभी चप्पल वगैरह उतारते हैं, तन्मय की भी जो है सैंडल उतरवाने हैं, साइड में करते हैं। एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे आते वक्त, ये लगा था पता नहीं चप्पल मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, पर सबकी चप्पल मिली, किसी की भी नहीं घूमी। होता है ना थोड़ा इस तरीके से मंदिर के बाहर, जैसे चप्पल उतारो, काफ़ी भीड़ हो तो गलत फहमी में भी बंदा चप्पल पहन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई उठा के लेके जाए, लेकिन किसी की भी चप्पल जो है घूमी नहीं थी। हम लोग मच्छर देखते हैं। चलो बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक जगह उतार दी ना सारे। अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर, मतलब मंदिर तो है ही, लेकिन जो शनिधाम मतलब शनि देव जी का मंदिर है तो वो इधर है। और अगर कहीं मैं गलत बताऊं तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लाइन में हम लोग खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। शनिवार है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं शनिदेव मंदिर में, शनिधाम पर। तो यहाँ पे ना आप में से काफ़ी लोग गए होंगे जो लोग लोकल के होंगे, बल्कि बाहर से भी आते हैं, तो क्या पता आप में से कोई बाहर से भी यहाँ आया हो। अगर कोई बाहर से आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर बस अभी हम जो है पहुँच चुके हैं नज़दीक ही, अंदर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, पूजा करेंगे। अंदर का ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मतलब वहाँ जाकर पूजा करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना, बस पूजा में ही ध्यान रहा, और उस टाइम याद भी नहीं आता। तो हम लोगों ने मत्था टेका, आप लोगों को भी दर्शन कराए, और उसके बाद अभी हम चल दिए हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर, अभी आपको दिखाते हैं। तो भाभी हैं, मैं हूँ, और लक्की कार्तिक नहीं आए हैं। लक्की तो शॉप पे है, कार्तिक जो है घर पे है, वो कह रहा आप लोग जाओ। और खुशी आई है और हम लोग आए हैं। विपिन भी नहीं आए हैं, हम लोग ई रिक्शा से आए हैं, क्योंकि विपिन को उस टाइम फ्री नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को तुम लोगों को आके वहीं मिल लूँगा।
मतलब ले लूंगा उस टाइम 7:30-8 बजे के करीब। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी शनि देव जी की मूर्ति बनी हुई है, उधर भी बनी, मतलब उधर दूसरे भगवान जी की है, उधर दूसरे भगवान जी की है, और यहाँ पर बनी हुई है शिला बनी हुई है ये, जिन पे तेल चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे पूजा करने के बाद तेल बचता है वो यहाँ पर आकर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे भी अभी हम लोग दीपक जलाएंगे, मैं और भाभी मिलके पूजा करेंगे। और ये जो इस टाइम पे फ़ोन है गुड्डू के हाथ में है, तो उसने ये आप लोगों को दिखाई है मूर्तियाँ, बहुत सुंदर सुंदर हैं, देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है। और पता है मैं कई बार बीच में सोचा कि जाएंगे लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। मेरे ख्याल से 2.5-3 साल पहले आए थे हम लोग, आप लोगों को भी हमने उस टाइम दर्शन कराए थे, बस उसके बाद हम लोग आ ही नहीं पाए। क्योंकि देखो अब तो कहीं भी जाता है जो बंदा ब्लॉग करता है, यूट्यूबर है, तो वो होता ही है कि चलो यार यहाँ पे, चाहे वो 1 मिनट का ब्लॉग करे पर वहाँ करता ज़रूर है, वीडियो बनाता ज़रूर है। तो आए ही नहीं, क्योंकि अगर आते तो आप लोगों को भी दिखता। तो यहाँ पे जो है अभी हम पूजा कर लेंगे इधर की साइड पे भगवान जी की, फिर चलेंगे आगे की तरफ। ये बोलो हां, काके में वाली है या फिर अच्छे काके में वास तो उनकी है। तो अभी हमने इधर तो दर्शन कर लिए हैं, हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, उधर भी भगवान जी हैं। काफ़ी टाइम पहले आए थे ना, तो कुछ चीज़ें ना यहाँ पे चेंज हो गई हैं। तन्मय नहीं, इधर आओ बेटा, देखो खुशी गुड्डू। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, विपिन आ गए हैं हमें लेने के लिए, 7:45 का टाइम होगा। और अच्छा लगा करके ना कि, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो चलो बच्चे आ गए, इधर हो जाओ, बाइक आ रही, स्कूटर आ रहा, अंदर तक लेने नहीं आए ये शख्स, वहां से पैदल चल के आ रहे हैं। जूते काटने भी ना बात है, जाम जुम लग रहा है यार, जाम जुम कुछ नहीं था, जाए तू आ गई भी, जाए आ गई भाई, मैं नकरी नहीं दिखा रही, मैं भाभी के साथ बैठू थी पीछे, फिर इसलिए बैठना पड़े। 3-4 जने तो आ जाते यार आराम से। मेरे तन में ना आइसक्रीम नहीं मांगी, मैंने पर्स बाहर निकाला था, मुझे आइसक्रीम चाहिए। बैक कैमरे में जनो दिन अभी छिपानी है ना, ऐसे लग रहा है जैसे दिन नहीं छिपाओ, और दिन छिप चुका, कितना अंधेरा हो रहा है, लाइटें, लेकिन ये लाइटें ऐसा इफेक्ट दे रही हैं। बाहर होगा ना, आगे दिखा दो तब तो अंधेरा ही आएगा। आज पत्थर, और यहाँ पे वेटिंग में है कहीं कोई झूला मिल जाए, क्योंकि इधर भी है बिजली वो हो रही है, अच्छा ये, और इधर भी पुल है, सीट देखते हैं नंबर आता है कि नहीं आता है। सोनिया नहीं होगा, नहीं बस रोकना है, रोक, खुशी खुशी जाइए, विपिन जाओ पकड़ना जरा। तो अभी हमने अच्छे से डाक पत्थर घूम लिया है, अच्छे से तो नहीं घूमा, हाँ ये देखिए कितना प्यारा लगा, अच्छे से घूमा। और अब जो है सोचते हैं, देखते हैं 10-5 मिनट में चलते हैं, इतना टाइम सोच के नहीं आए थे। और लक्की कार्तिक भी साथ में नहीं आए हैं, लक्की का फ़ोन था, कार्तिक का, चल आओ भूख लग रही है तो चलो, देखो सैम मोमो नहीं खिलाई अभी, यहाँ मिल नहीं रहे जब। Thank you.
चलिए अब चलते हैं कहीं कुछ खाने, कुछ खाते हैं, बच्चे को कुछ खिलाते हैं। तो पानी की कितनी आवाज आ रही है ना, बहुत ज्यादा पानी की आवाज आ रही है, डर लगता है। अब तो यहाँ जाली कर दी, देखो अभी यहाँ पे ना यहाँ तक जाली कर दी, अब पहले नहीं थी ये, और ये ना जाली वहां तक पहुंच जाएगी, बहुत आगे तक, काफी आगे तो पहुंची गई। अरे सही है, वैसे भी तो गाड़ी गुड़ी वाले। तो हम आ गए हैं बर्फी की, चलो खाते चलते हैं, खुशी को लाना था तो इस वजह से, वरना तो कड़ी चावल भी काफी रखे हुए हैं। अभी तो देखने गए हैं हाउस। हम लोग अंदर आए तो देखा यहाँ पे सीट का बड़ा वो हो रहा था, क्योंकि हमने लक्की कार्तिक को भी फ़ोन कर दिया था, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है बर्फ़ी, मैंने कहा तुम दोनों भी आ जाओ यहाँ पे, मतलब भाभी से करवा दिया था फ़ोन कि वो दोनों भी आ जाएंगे, साथ में हो जाएगा, वरना क्या हो सोच रहे थे हम लोग कि सब्जी लेकर जाएंगे और भाभी जो है रोटी बना देगी उन लोगों की, लेकिन मेरे को ये था अगर वो आ सकते हैं आ जाएँ तो फिर आ ही जाएँ, सबके साथ बैठ के खा लेंगे, अब भाभी क्या परेशान होंगी घर जाकर उनके लिए रोटी बनाना ये सब। वैसे तो माँ परेशान नहीं होती है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी यार मैंने कहा निमट के ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था स्टार्टर में चिली पनीर, मतलब बच्चों ने जो मंगाना था चिली पनीर नूडल्स और फ्राइड राइस मंगाया था, तो यहाँ पे चलो आप लोगों को भी मैं खिलाती हूँ, खा लीजिए और हम लोग भी खाते हैं इन्जॉय करते हैं। और बस मेरे को ये था कि चलो आज निकले हैं बाहर तो आज का डिनर जो है खुशी को बाहर ही कराएँगे, तो यहाँ पर ये फ्राइड राइस भी आ गए हैं, नूडल्स बहुत टेस्टी लगे मुझे यहाँ के, इतने मुझे फ्राइड राइस नहीं लगे थे। हाँ चिली पनीर भी मुझे यहाँ का टेस्टी लगता है, फ्राइड राइस मुझे उतने मतलब नहीं लगे, मतलब किसी को भी उतने पसंद नहीं आए, सबको जो है नूडल्स बहुत पसंद आए। तो ये होता है कई बारी, या फिर यूँ कह लो कि कोई चीज़ इतनी अच्छी लग जाती है कि उसके बाद दूसरी चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सभी ना उसके लिए बोल रहे थे कि हाँ यार नूडल्स अच्छे थे, नूडल्स अच्छे थे, फ्राइड राइस की तारीफ़ किसी ने नहीं की, तो इसका मतलब शायद वो सबको कम ही अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग खा रहे हैं और फिर आ गया था हमारा जो है मेन कोर्स, तो उसमें थी दाल, मखनी दाल ऑर्डर की थी और साथ में मंगाया था कढ़ाई पनीर। खुशी ले ले ठीक से बेटा, चलो आइसक्रीम खा लो चलते। गुड्डू कहाँ गई? अच्छा खाना खाया, फिर थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम भी ली और उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो भाभी और लक्की बाइक पर हैं और फिर इन लोगों को जाते देख के मेरा भी मन कर गया कि मुझे भी बाइक पे जाना है, तो फिर हमने यहीं पे साइड पे बाइक रुकवाई कि मुझे जाना है लक्की के साथ, तो फिर उसको रोका, फिर मैं लक्की के साथ बैठी और भाभी जो है गाड़ी में सीट चेंज कर ली हम दोनों ने। तो फिर हम जो है इस तरीके से गए और विपिन साथ साथ चल रहे थे लक्की, मतलब हम लोगों के पहले भी जब भाभी बैठी हुई थी तब भी कि साथ साथ चलेंगे घर पे। हम लोग आ गए घर, मस्ती करते कराते डांस करते आए गाड़ी में मस्ती करते हुए आए हो। चलो अब करेंगे बाय बाय कि कल मिलेंगे, गुड नाइट करेंगे। इसे मत खराब कर, ये तेरे बर्थडे पे काम आएगा वो क्या? हम कर लेंगे, ये इन्होंने जोड़ रखा है टेप से। अब तो इसके बर्थडे पे हाँ रखने थे, आप बोल रहे थे मैं लगाऊंगा, इसलिए रखे भी नहीं। बेटा मुझे मशीन में डालने हैं, मशीन में डाल दो, बस कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, पहले खुशी गई है फिर मैं नहाऊंगी। नहाएगी तो? हाँ अरे 12 बज रहे यार, चेंज कर दो इसमें कम्फर्टेबल रहेगा। सैंडल उतार, सैंडल शूज सब अपनी जगह पे रखो। मम्मी आ रहा भी रहो। मैं यही हूँ, चलो चेंज करो जगह पे रखो चीजें। This is very tight.